छीली हुई बकरियां। हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है अनमोल ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने गांव अरसिया बाजार से 2 किलोमीटर दूरी पर बाबा गंगादास की कुटी की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आइए देखते हैं, मजा आएगा। दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं बाबा गंगादास की कुटी की तरफ। दोस्तों, बीच में हमारा स्कूल जहाँ पर हमने अपनी प्राथमिक शिक्षाएँ प्राप्त की। आप बताओ दोस्तों, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। कुछ कुछ कहता हूँ जब सा सहता हूँ, दिल क्या कर। दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं बाबा गंगादास जी की कुटी की तरफ। हम यहाँ पे ईट भट्टे की तरफ आ चुके हैं। रास्ते में यही भट्टा पड़ता है दोस्तों, यही हम लोगों का मेन एरिया है। यहाँ पर ट्रैफिक देखने को मिल रहा है दोस्तों, काफी ट्रैफिक है यहाँ पर। बकरी के साथ भेड़े हैं जो कि चल रही हैं, जो छिला चुकी हैं, छिला के चल रही हैं, छिली हुई बकरियाँ। इन लोगों का बाल भी उतार दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। बाल की खाल उतार तक भी है। ये लोग जा रहे हैं भेड़ चाल अपनी। हट हट हट, रे रे। पुलिस जाम को हटाती हुई ट्रैफिक जाम को हटाती हुई और ये हम भट्टा दिखा रहे हैं आपको दोस्तों। चलते हैं दोस्तों एक बार फिर से बाबा की तरफ, बाबा गंगादास जी की कुटी की तरफ। माहौल ही इतना अच्छा। तो ये काफी प्राचीन जंगल है जो रास्ते में पड़ता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आप लोग देख सकते हैं काफी लताएं लटक रही हैं, पेड़ भी काफी पुराना है। तो दोस्तों, फिर से चल रहे हैं। इस एरिया को काफी घनी आबादी का एरिया माना जाता है, मतलब जंगलों के हिसाब से बहुत ही नेचुरल एरिया है दोस्तों। ये प्राकृतिक वातावरण होता है, काफी शांति होती है इस एरिया में, ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता। दोस्तों, अब भी आप देख सकते हैं बाबा गंगादास की कुटी पे हम लोग पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन गेट है, आप लोग देख सकते हैं। नया गेट बनाया गया है अभी, काफ़ी इसका नवीनीकरण हो गया है कुटी का। पहले काफ़ी प्राचीन था, मतलब बहुत ही पेड़ थे पहले और भी प्राकृतिक वातावरण हुआ करता था। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर ही मंदिर हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुँच चुके हैं बाबा गंगादास जी की कुटी पर। तो अब हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, और अब चलते हैं मंदिर में। पहले दर्शन करेंगे हम लोग, इसके बाद ही आगे का आपको नज़ारा दिखाएंगे दोस्तों। अलग अलग मंदिरों का दृश्य आपको दिखाया जाएगा। तो देखते हैं, देखिए दोस्तों, यही है बाबा गंगादास जी की का मंदिर, काफ़ी प्राचीनतम मंदिर है ये। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग चप्पल अपनी उतार देंगे, आप लोग देख सकते हैं। और अब हम लोग आगे चलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर घंटी बजा रहे हैं हमारे मित्र। भाई के द्वारा घंटी बजाया जा रहा है दोस्तों, तो हम भी घंटी को बजा लेते हैं, बड़ा वाला घंटी बजा लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, अभी हम भी जाके अंदर दर्शन करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, आप माहौल देख सकते हैं, पूरा मंदिर नुमा माहौल है। यहाँ पे भंडारे का शायद सीन है। तो दोस्तों, आज भंडारा हो रहा है यहाँ पे, तो अभी कुछ देर में भंडारा स्टार्ट होगा। पहुँच चुके हैं बाबा गंगादास जी के मंदिर में, तो अभी हम लोग दर्शन करेंगे दोस्तों। मेरे दोस्तों ने दर्शन कर लिया है, एक बार मैं भी दर्शन कर लेता हूँ। Thank you.
लोग कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो मंदिर का राउंड लिया जा रहा है दोस्तों। तो गाइस एक बार फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं। उल्टा घूमा था यार मेरे साथ। उल्टा कहाँ घूमा था? है उल्टा है क्या से घूमे करने का? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो दोस्तों हम लोग एक बार उल्टा घूम चुके हैं। तो रुको जरा, सबर करो। ब्लॉग बनाने के चक्कर में किसी को ध्यान ही नहीं हुआ कि हम लोग उल्टा घूम रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था। तो हमारे मित्र प्रणव ने बताया कि हम लोग उल्टा घूम रहे हैं, तो हम लोग सीधा अब चल रहे हैं एक बार फिर से। तो दोस्तों चलिए दाहिने से लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।